सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भविष्य में आने वाले सिक्स जनरेशन के फाइटर्स की, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से देश हैं जो इस सिक्स जनरेशन के फाइटर्स को विकसित कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि सिक्स जनरेशन के फाइटर्स आज के समय के सबसे एडवांस फाइटर्स यानी कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर्स के मुकाबले में हर तरीके से एडवांस होंगे। सिक्स जनरेशन के फाइटर्स फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज गति से और काफी लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे, और साथ ही इन फाइटर्स को काफी अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकेगा। अगर बात करें इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज की, तो इन फाइटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से ये फाइटर्स मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह की उड़ान को भरने में सक्षम होंगे। यानी इन फाइटर्स को पायलट के बिना भी एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह ऑपरेट किया जा सकेगा। सिक्स जनरेशन के फाइटर्स में जो इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें काफी अलग तरह के फ्यूल को इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एफिशिएंट एनर्जी प्रदान करेगी। अगर बात करें इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिक्स जनरेशन के फाइटर्स को दुनिया के सबसे घातक और आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इन फाइटर्स को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, पैसिव डिटेक्शन, इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर वेपन्स, और यहाँ तक कि साइबर अटैक कैपेबिलिटीज भी प्रदान की जाएंगी। यानी ये एयरक्राफ्ट साइबर अटैक करने में भी सक्षम होंगे, और इस तरह के सबसे एडवांस सिक्स जनरेशन के फाइटर्स को विकसित करने में अमेरिका सबसे आगे है, क्योंकि अमेरिका की बोइंग कंपनी एक सिक्स जनरेशन के फाइटर को विकसित कर रही है जिसका नाम है FA-XX। और यहाँ तक कि अमेरिका के इस सिक्स जनरेशन के फाइटर्स को सबसे पहली उड़ान के लिए 2025 और 2030 के टाइम फ्रेम के बीच में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है। और अमेरिका के इस सिक्स जनरेशन के फाइटर में एडेप्टिव वर्सेटाइल इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन प्रोग्राम है जिसे अमेरिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये इंजन इन एयरक्राफ्ट को एक लॉन्ग रेंज और हाई परफॉर्मेंस प्रदान करने में मदद करेगा। सिक्स जनरेशन के फाइटर्स में आपको एक और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, और वो है सेल्फ रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट अपने डैमेज हुए पार्ट्स को खुद ब खुद रिपेयर करने में सक्षम होंगे। और इन फाइटर्स को ऐसे वेपन से इक्विप्ड किया जाएगा जो कि फाइटर्स के चारों तरफ यानी कि 360 डिग्री के एंगल पर भी फायर करने में सक्षम होंगे। और अमेरिका के अलावा रशिया की मिकोयन कंपनी भी 5++ जनरेशन के फाइटर्स पर काम कर रही है, जिसका नाम है MiG-41। और रशियन एयरफोर्स का दावा है कि मिकोयन MiG-41 का पहला प्रोडक्शन 2025 से शुरू किया जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।